जवाजा थाना क्षेत्र के जवाजा गांव में पुराने विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। घटना में एक पक्ष का एक युवक गंभीर रूप से चोटिल हो गया। घटना के बाद दूसरे पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे पीड़ित पक्ष के परिजनों ने गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार हेतु राजकीय अमृत को चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया। इस संबंध में दोनों पक्षों की ओर से जवाजा पुलिस थाने में परस्पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। शुक्रवार सुबह एकेएस पहुंचे जवाजा थाना के एएसआई रामलाल ने घायल युवक को बयान दर्ज किए। जानकारी के अनुसार जवाजा निवासी जसवंत सिंह पुत्र देवी सिंह रावत तथा यहीं के निवासी कृपाल सिंह, जसवंत सिंह छोटू तथा अन्य के साथ किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि गुरुवार देर शाम को जसवंत सिंह जवाजा तालाब की पाल पर बैठा था। इस दौरान पाल पर पहुंचे कृपाल सिंह, जसवंत, छोटू, अजय, मनीष, रोहित तथा जीवन आदि ने एक राय होकर जसवंत सिंह के साथ मारपीट करते हुए उसे गंभीर रूप से चोटिल कर दिया। परिजनों ने घायल जसवंत को एकेएस लाकर उपचार हेतु भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार जारी है। जवाजा पुलिस दोनों ओर से दर्ज मुकदमे की जांच कर रही है। रोड़ी है, मनीषा है और क्या नाम है, छुटिया है, भवानी सिंह और क्या नाम है, छोटू है, कालू कालू कालिया, जसवंत सिंह है, गिरधारी सिंह इसका बाप का नाम है और अन्य चार पांच लड़के और थे, तो उनकी शक्ल नहीं देख पाया बरोबर, वो बांध बांध के आए और करम पाल भी था मेरे बाटे वाटे के दिए, ऊपर से बाटे फेंका ताल पाड़ आओ कैसे, बस ये है बाबू जी, पाँच दस जने थे, ये दस जने के लगभग थे, मैं बाकी के शक्ल नहीं जानता हूँ, शक्ल से जानता हूँ पर नाम नहीं जानता। किस चीज़ के लिए मतलब चल रही थी बाबू जी? दो तीन ओड़े से मेरे ऊपर पुरानी रंजिश निकाल रहे, वाटर फेंक रहे, रात को आके घर पे पुलिस को मैं बोलता हूँ, पुलिस कह रही कार्रवाई करेंगे, यूँ करेंगे, बेटी है नहीं मान रही है, उनके चक्कर में मेरे को बंद कर दिया, मैं छूट के आया, फिर अभी फिर मैंने बोला मुकदमा कर दर्ज कराया, मैंने वाटर फेंक रहे मेरे घर पे, मेरे छोटे छोटे बहन भाई अकेला कमाने वाला हूँ मैं, ये मेरी यही नहीं देख रहे, ना सुनाई कर रहे थे, अब ये लगने के बाद में अब सुनाई करी है, अब लेके आए चार पाँच जने को, अब बंद कराना, और भी बाकी है, अन्य लोग और भी बाकी है।